आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन ऐप के बारे में। और इस वीडियो में बताऊंगा कि गाइज यहां पे ड्रीम इलेवन में अपना ईमेल आईडी कैसे वेरीफाई करेंगे। गाइज यहां पे मेरे पास कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि सर मेरा जो है अभी तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो रहा है। मैंने गाइज यहां पे बहुत सारे वीडियोज भी देखा, कुछ लोग का गाइज कमेंट आ रहा है सर मेरा जो है ईमेल पे ओटीपी ही नहीं आ रहा है। कुछ लोग का गाइज कमेंट था कि सर मैंने अपना ओटीपी फिल किया फिर भी मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ। गाइज अगर आपके साथ भी सेम यही गाइज यहाँ पे तमाम दिक्कतें हैं और आप भी परेशान हैं अपने ईमेल आईडी को वेरीफिकेशन को लेकर, तो मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जिसमें कि मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि गाइज किस प्रकार से माई इलेवन ड्रीम इलेवन ऐप में अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि ड्रीम इलेवन में ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए आपको कुछ गाइज यहाँ पे टिप्स अपनाना पड़ेगा। कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा तब जाकर गाइज आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को एक ही बार में वेरीफाई कर पाएंगे। सबसे पहले गाइज आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आपको दिखेगा माई बैलेंस, सिंपल माई बैलेंस वाले ऑप्शन में आएंगे और नीचे में गाइज आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है माई केवाईसी डिटेल का। सिंपल गाइज यहाँ पे माई केवाईसी डिटेल पे आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे मेरा जो गाइज यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरीफाई है, मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई है, मेरा यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई है, मेरा गाइज यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरीफाई है, जो कि गाइज आप यहाँ पे गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज अब यहाँ पे सवाल आता है गाइज आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को कैसे वेरीफाई कर पाएंगे और आपको ईमेल आईडी वेरीफाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपना ईमेल आईडी को डालेंगे तो वो गाइज आपका ईमेल आईडी गाइज यहाँ पे चालू होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जैसे गाइज आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके गाइज यहाँ पे ईमेल पे ओटीपी आएगा। जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा जो है ओटीपी नहीं आ रहा, तो गाइज आपको करना क्या है कि गाइज आपको यहाँ पे अगर आपके ईमेल में होम पेज में ओटीपी नहीं आए तो गाइज आपको घबराना नहीं है। गाइज यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखेगा, इस पे जाने के बाद इतने सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं। इन सभी ऑप्शन में गाइज आपको यहाँ पे एक एक कर कर चेक करना है और इसमें से गाइज यहाँ पे कोई ना कोई एक ऑप्शन में आपका जो गाइज यहाँ पे ओटीपी जरूर आया होगा और उसके बाद गाइज आप यहाँ पे जो गाइज यहाँ पे जाकर ओटीपी को फिल कर देंगे। ओटीपी फिल करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देखेंगे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जो लोग गाइज यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओटीपी डालने के बाद भी मेरा वेरीफाई नहीं हो रहा, तो गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँ, तो उसके लिए गाइज आपको करना है क्या कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फिर से गाइज आपको अपने प्रोफाइल में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प एंड सपोर्ट का। सिंपल यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद नीचे में गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा राइट टू अस, यहाँ पे गाइज आपको कंपनी वाले से बात करना है, यहाँ पे कंपनी कस्टमर केयर से बात करना है और उनको कहना है कि सर मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होता तब तक आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि जो है गाइज आप कस्टमर केयर को से बात करेंगे तो आपके साथ जो भी गाइज यहाँ पे समस्या है जो भी प्रॉब्लम है सभी का यहाँ पे हल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।